नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे पास कार्बन का K9 स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्मार्टफोन फ्लैश टूल से जो करते हैं फ्लैशिंग, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रॉम एरर SFT इनेबल ड्रॉम हेल। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फ्लैशिंग करके भी दिखाता हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है हमें, ये मेरे पास देख सकते हैं फ्लैश आयल था पूरा, और उसके अंदर ये SP फ्लैश टूल, स्मार्टफोन फ्लैश टूल है, वो मैं ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, कुछ वेट करें। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपके सामने ये स्मार्टफोन फ्लैश टूल ओपन हो चुका है, और मैं ऑटोमेटिक ऑटो ये फाइल भी सेलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और फोन में USB केबल इन करना है। देख सकते हैं इन करने के बाद यहाँ तो इंस्टॉलिंग ले लिया है, फ्लैशिंग भी लेना स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ब्रॉम एरर SINVALID BPCHIP टाइप कुछ हिंट आ रहा है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में बस यही मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसे चलिए ओके करके कट कर लेते हैं। आपको जाना है डायरेक्टली गूगल पे, गूगल पे जाके दूसरा कोई फाइल डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट वर्जन। मान लीजिए आप कोई फाइल, जैसे कि मेरे पास कार्बन K9 स्मार्ट 4G फ़ोन था, और इसका जो वर्जन था फ्रेंड्स वो देख सकते हैं आपके सामने, ये भी 12 था। इससे पहले जो मैं डाउनलोड फाइल, इससे पहले जो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ फाइल था वो था, दिखा दे रहा हूँ, वो भी कार्बन, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स V06 फाइल था, और नीचे एक और फाइल था जो कि जिसका नाम है V020, लेकिन दोनों में से कोई भी फ्लैशिंग नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम लिख के आ रहा था। जो कि दूसरा सलूशन फ्रेंड्स मेरे पास फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का, जो कि मेरे पास तीसरा फ्लैश फाइल भी डाउनलोड होके रखा हुआ फ्रेंड्स आपके सामने, ये देख सकते हैं कार्बन स्मार्ट 4G V12। तो फ्रेंड्स मेरे पास देख सकते हैं ये कार्बन स्मार्ट 4G V12 वाला फाइल, जो कि मैं सिम वर्जन का, मोबाइल के बैटरी निकालने के बाद आपको उसका वर्जन मिल जाएगा, वहाँ पे आप वर्जन देख के और सेम फाइल डाउनलोड कर लीजिए। वैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स इससे भी फ्लैशिंग होता है या नहीं, इस वीडियो में साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए हमें करना क्या है, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेने देते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फ्रेंड फाइल जो है एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है, कुछ समय लगेगा इसलिए कि मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा स्लो है।
फ्रेंड्स आपके सामने ये देख सकते हैं मेरा फाइल जो था एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हमें करना क्या है, यहाँ से जाना, इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है, स्पेशल टूल जो आपके पास पहले से फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से वो फाइल आपको फ्लैश टूल ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं उसी फोल्डर में कार्बन और ये आपके सामने फोल्डर, चलिए इसे ओपन कर ले रहा हूँ। फ्रेंड्स इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास जो है ये जो फ्लैश फाइल जो है सिलेक्ट हो रहा था वो पहले वाला वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से चलिए लेते हैं सेक्टर लोडिंग, चलते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ से आपको करना क्या है कार्बन स्मार्ट 4G वाला जो फाइल है उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो ये फाइल है इसे सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, सेलेक्ट हो रहा है। अब हमें करना क्या है यहाँ से डाउनलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ से डाकेबल लगाना है। और ये आपके सामने फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ समय लग के फ्लैशिंग मेरा फ़ोन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि क्या प्रॉब्लम था, जो कि फ्लैश फाइल का प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। बहुत सारा ऐसा वीडियो जो कि यूट्यूब जाता जो कि बताता फ्लैश टूट गया इधर उधर, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड्स। हाँ होता है, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से नहीं होता है फ्लैश टूल से, होता है, बट इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादातर फ्लैश फाइल के कारण होता है। जो कि मान लीजिए आपका फ़ोन का वर्जन है V07 या तो V06, V012 या V020 जो भी वर्जन हो, वो आप देखकर सेम वर्जन डाउनलोड करें फ्रेंड्स और आपको ये इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये मेरा फ़ोन फ्लैश हो रहा है, कुछ वेट कर लें और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे देख लीजिए आपके सामने ये फ़ोन फ्लैश होना कंप्लीट होता है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपके सामने फ्लैशिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स नीचे
रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा फ्रेंड्स, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा लीजिए, ताकि जो भी इस टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और लाइक अवश्य करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी इससे बढ़िया बेहतर वीडियो बन के लाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।